किसान भाइयों, गंदम की काश्त के लिए ज़मीन ऐसे तैयार करें जैसे सेज का बिस्तर होता है, जैसे फूलों का बिस्तर होता है। ये इतनी नरम हो कि बेशक इसमें तवे लगाएं, हल फेरें, सुहागा फेरें, ये देखें, अगर इसमें अगर पाँव लगाएंगे तो ये खूब सज जाएगी, ये देखें। तो इसका मतलब ये होगा कि दाना जो है गंदम का नीचे जाएगा तो उसको अपना माहौल मिलेगा, वो खुशी खुशी महसूस करेगा। ये सेज का बिस्तर बनाने का मकसद ये है, जिस तरह दुल्हन एक अपने कमरे में जाती है, इसी तरह ये हमारा सीड इस वक्त बीज गंदम का बीज इस वक्त दुल्हन है, उसको अपना एनवायरनमेंट मिलेगा, उसमें कोई रुकावट नहीं होगी, तो उसकी रूट लंबी जाएगी, गहरी जाएगी। जो लंबी रूट जाएगी इसका मतलब ये होगा कि वो पौधा फ्लरिश करेगा। और ये ख्याल रखें कि जो ही आप इस ज़मीन को तैयार करें तो इस किस्म की चीज़ें फ़ौरन निकाल दें। ये देखें, ये रुकावट बनती है उसके रूट के फ्लरिश करने में। ये बट्टे, ये ईंटें, ये रोड़े सब कुछ निकाल के बाहर करें, और ये ज़मीन की तैयारी का बेस्ट वे है कि गंदम का दाना जितना गहरा जाएगा उतना ही वो पौधा फ्लरिश करेगा। बस ही